अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एमकेआर टीवी ओवरसीज कम्युनिटी चैनल, जो के ओवरसीज के लिए खास तौर के लिए खास तौर से बनाया गया है। और हम आपके लिए लेकर आते हैं नए नए सेगमेंट्स, नए नए एपिसोड, जिसे हम लोग पहले भी लेकर आए थे और इस दफा भी हम लेकर आए। लेकिन इस दफा का एपिसोड कुछ स्पेशल है, कुछ नहीं बहुत स्पेशल है। और वो ऐसा है, पहले तो मैं बता दूं कि आपका जो ये फेवरेट टॉक शो है उसका नाम है चिट चैट विद सना। और मैं आप बताना चाहूंगी कि आज का जो शो है वो इस हिसाब से कि जो बच्चे से लेके बूढ़े तक का फेवरेट सेगमेंट होगा। तो ये कैसा है, इसमें खाना पीना, मजे मजे की चीजें, मजे मजे के टोटके भी बताए जाएंगे आपको। राइट साइड पे बैठी है माशाल्लाह जद्दा की मशहूर, कम वक्त में इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है और बहुत सारी मेहनत के साथ। तो इनका नाम है तुबा। वेलकम तुबा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जज़ाकअल्लाह खैर और थैंक यू एमकेआर टीवी। थोड़ा सा वक्त जरा देर से मुझे मिला क्योंकि बिजी शेड्यूल होता है। एमकेआर ने तो बहुत 2 वीक से मुझे बुलाया हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप सब लोग के सामने हूँ जी। अच्छा तुबा, आप कब सऊदी अरब तशरीफ लाए? सऊदी अरब तो आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 इयर्स हो गए माशाल्लाह, दिस इज माय 16 ईयर ऑनवर्ड्स। तो लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त गुजर रहा है माशाल्लाह। अच्छा, तो आप की पाकिस्तान में शादी हुई है या? जी पाकिस्तान में हुई थी। तो आप पाक शादी के फौरन बाद आप यहाँ आ गई जी? या मतलब टाइम लगा? एक्चुअली मेरा एक बेटा था और उसके बाद शादी के 1 साल बाद फिर मैं जगह आ गई। ओके, अच्छा, सही सही। और ये मुझे ये बताएं कि आपको स्टार्टिंग से खाना पकाने का शौक था या फिर हस्बैंड की वजह से हुआ या क्या, ऐसा क्या था? मेरी तरह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है कि माशाल्लाह हम लोग 4 बहनें हैं, माशाल्लाह भाई 4 बहनें। तो हम मेरा जो खाने का क्रेडिट है इसके पीछे मेरी वालदा का हाथ है कहा जाए तो। माशाल्लाह अल्लाह ने हमें जन्नत नसीब करे कि वो हम सब लोगों को जो है वो खाने की तरफ राग़िब करती थी। एक किचन के बगैर तो किसी का गुजारा नहीं। बिल्कुल, और बेसिकली हम लड़कियों का औरतों का, तो हम लोग अम्मी को देखा करते थे कि अम्मी कैसे बनाती हैं। और मैंने डेफिनेटली किसी से सीखा नहीं, बस अम्मी को फॉलो करती थी और बनाते बनाते माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सब कुछ। नहीं, मैं गारंटी देती हूँ माशाल्लाह, मैंने खुद ट्राई किया हुआ इनका, बहुत ज़बरदस्त बनाती है हर चीज़ में। एक इनका कहते हैं ना खुलूस टपकता है हर चीज़ में। और ये देखिए ना, ये इनका ये है, इनके फेसबुक पे भी है इनका, और आपको लिंक बाद में मिल जाएंगे, इंस्टा पर भी है और गूगल पे। आप जरा वो गुड न्यूज़ तो बताइए हमारे व्यूवर्स को। जी सना, माशाल्लाह अल्लाह के करम से, अल्लाह की करम नवाजी, हम लोग तो कुछ भी नहीं कि माशाल्लाह बहुत से कम वक्त में अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। और गूगल पे आप ये है कि जब भी आप टाइप करें मोमेंट फूले जद्दा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड आउट तुबा के चले। माशाल्लाह ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप देखें, यहाँ पर आपको जिस तरह पता है कि सऊदी अरब में लेडीज खुल के बाहर निकल के कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो ये हम इसलिए इस तरह लेडीज लेकर आते हैं जो उनको बताएं, ताकि वो के घर में बैठ के आप किस तरह अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। ये बात वो वक्त चला गया कि नहीं, एक औरत को बाहर निकल के ही कुछ मिल सकता है, नहीं, घर बैठे भी एक औरत कुछ कर सकती है। तो जी मुझे जरा बताएं कि थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएं कि कैसा जा रहा है आपका इस हवाले से और किस तरह का आपको फीडबैक मिल रहा है। जी सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर नवंबर में, और माशाल्लाह सो ऑन अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 months हो गए माशाल्लाह। मगर माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है मेरे फॉलोअर्स का भी, और मेरे वेलविशर्स भी बहुत है मेरे साथ माशाल्लाह, तो इंस्टा पर भी और फेसबुक पर भी। तो लोगों का अब तक माशाल्लाह मोर देन 300 लोग इस्तेफादा उठा चुके हैं मेरे खाने से माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस ये है कि अल्लाह ने इज्जत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाने का मकसद अगर देखा जाए तो जिस तरह मैं अपने लिए या अपने घर वालों के लिए खाना बनाती हूँ, तो थ्रू आउट द जद्दा जो लोग खाना खाते हैं वो मेरे घर पे ही जाकर खाना खाते हैं। बिल्कुल, ये देखें, ये होती है सच्ची लगन से काम करना। और मुझे आप एक और बात बताएं, मतलब हस्बैंड कभी कुछ बोलते नहीं है कि या हर वक्त किचन में काम कर रही हो या मुझे टाइम दो या बच्चों का, मतलब कुछ ऐसा टाइम आप कैसे निकालती हो फिर घर कैसे? माशाल्लाह
सबसे पहले तो मेरे लिए मेरे फैमिली है, तो पहले फैमिली को टाइम देती हूँ माशाल्लाह। बच्चे आई हैव थ्री किड्स माशाल्लाह, बड़े वाले ए लेवल में माशाल्लाह और छोटी ग्रेड फाइव में है और सबसे छोटे इंशाल्लाह अब जाने लगेंगे स्कूल। तो माशाल्लाह बच्चों के लिए सबसे पहले वक्त है और शोहर के लिए तो सबसे ही पहले वक्त है। तो मैं अपना बहुत माशाल्लाह मैनेज करके रखती हूँ, घर भी मैं चलाती हूँ यानी घर भी देखती हूँ और उसके साथ साथ ऑनवर्ड्स तुबा के स्टूडेंट को भी लोगों को भी सर्व करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, अगर आपसे जैसा माशाल्लाह घरदारी आपकी इतनी अच्छी है तो कुछ लोगों के मतलब बता सकती है, जैसा कुछ लेडीज हैं वो कहती है कि बच्चों को गैस हो जाती है, बड़ों को गैस हो जाती है, तो ऐसा कोई ऐसा टोटका है आपकी नज़र में कि जिससे गैस का इलाज हो जाए? सर बेसिकली हम लोग को जितनी भी हम लोग टोटके कह लें या किसी भी चीज़ का क्योर कह लें किसी भी डिजीज का, तो वो सब हमारे किचन में अगर हम लोग समझें तो और सही स्पाइस का सही जगह पे हम लोग को यूज करना है। बड़ी मज़े की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ये 5 मिनट्स रेसिपी आपको बनाकर दिखाएंगी। तो अभी हम स्टार्ट लेते हैं, ओवर टू यू मिसेस तूबा। थैंक यू वंस अगेन सना। आज मैंने अपने व्यूअर्स के लिए सोचा कि कुछ ऐसा इजी कुछ, क्योंकि नॉर्मली औरतों को टाइम नहीं मिलता और फर्ज करें कि कोई आपका फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, कोई फॉरन आने वाला है और आपको कुछ बहुत ज़बरदस्त मीठा बनाना है, तो आज मैं सबके लिए लेकर आई हूँ फ्रूट एंड क्रीम फ्यूजन। चले ये सारी होगी, हमारे मर्द हजरात भी देख लें भाई, ये बीवियां घर पे ना हो तो वो भी बना लें, कुछ तो कर लें। एग्जैक्टली तो हम स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल स्टार्ट लीजिए। ये देखिए मेरे पास जो है वो केक्स हैं, केक्स आप कोई से भी ले सकते हैं, चॉकलेट केक मैं रेफर करती हूँ वैसे, चॉकलेट केक। तो केक्स हैं इधर, यहाँ मिक्स फ्रूट हैं, फ्रूट्स भी इट्स डिपेंड अप टू यू। कुछ लोग जो है वो मिक्स फ्रूट खाना नहीं पसंद करते, लेकिन ये ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, ठीक है, मिक्स रहेंगे। अच्छा ये चेरी भी है और आजकल वैसे भी चेरीज का मौसम है और चेरीज बहुत फायदेमंद है। व्यूअर्स आप लोग बच्चों को भी खिलाइए और खुद भी खाइए, ये आजकल वैसे भी बहुत जरूरत है, बच्चों के अंदर खून की कमी होती है तो ये जरूर खिलाइए। और चेरी जो है सना ब्लड प्यूरिफिकेशन का भी काम करती है, आपके ब्लड को प्योर करती है, तो इट्स गुड। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है वो क्रीम है, क्रीम जो है ये इसके अंदर मैंने ऐड करा है, इस क्रीम में थोड़ा सा हनी आपको ऐड करना है और शुगर अप टू यू कि आपको कितनी पसंद है, थोड़ी सी इसमें शुगर है तो इसे अच्छी तरह बीट कर लीजिए। तो ये मैं यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज की वजह से इसे बीट कर लाई। दूसरा नट्स हैं, ये आपकी मर्जी है, आप ये नट्स नॉर्मली सब घरों में ही होते हैं, तो इधर मैंने थोड़ी सी रीजन और वॉलनट ली हैं और जो बहुत फायदेमंद है। प्लीज़ आप लोग ये घर में ज़रूर चीज़ें रखा करें और बच्चों को टाइम टू टाइम और बड़ों को भी टाइम टू टाइम ये चीज़ें खानी चाहिए। बेशक बेशक। और ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है। जी ये चॉकलेट चिप्स हैं, तो ये हम टॉपिंग में इंशाल्लाह यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। और ये बच्चों की मोस्ट फेवरेट चॉकलेट हर्शीज चॉकलेट सिरप, ये देख लीजिए और ये डेकोरेशन के लिए हमारे काम आएगी इंशाल्लाह। चलें जी स्टार्ट होते हैं। यस, सबसे पहले मैं इसमें केक डालने लगी हूँ, केक के छोटे छोटे चंक्स बना लीजिए और उसे डिश में बॉटम में उसे स्प्रेड कर दीजिए। एक लेयर हमने केक की करनी है। जी जी। सेकेंडली अच्छा चेरी जो है वो डेकोरेशन के लिए, डेकोरेशन के लिए। ओके, नाउ वी कैन ऐड दीस फ्रूट्स। अच्छा, और जो ये जो सिरप आ रहा है इट्स ओके, मतलब कोई इशू नहीं है? सिरप तो बहुत अच्छा है, मतलब सिरप को क्या काम करेगा, सिरप सिर्फ आपकी इस डिश को और ज्यादा जूसी कर देगा। तो जो केक्स हैं वो मॉइस्ट हो जाएंगे, थोड़े से मॉइस्ट हो जाएंगे। गुड एंड नो प्रॉब्लम कि अगर चेरीज भी अंदर जाती है लेकिन इसमें सीड्स हैं। हां जी, वो फिर बच्चों को इशू होता है और एग्जैक्टली मेरे तो देख के मुंह में ना या ये बच्चों में बड़ों में सब में मकबूल डिश है और बेसिकली और सबसे अच्छी बात है कि 5 मिनट्स में तैयार हो जाएगी। exactly. ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा मेहमानों के लिए, फटाफट अब देखिए मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ
ये जो हमने क्रीम कर रही है इसे स्प्रेड कर दीजिए जी। दोबारा बता देंगे किश्ते, ये क्रीम है जो है इसके अंदर इन्होंने हनी और शुगर मिक्स करके ये लेकर आएंगे ताकि टाइम का थोड़ा वो हो जाए, बचत हो जाए। टाइम थोड़ा सा मुश्किल होता है, कम होता है थोड़ा, कम टाइम होता है, तो कम टाइम में और झटपट कैसे हम कुछ बना सकते हैं, तो ये मैंने सोचा कि अपने वर्ड्स ये जरूर देख के, और इंशाल्लाह आप सब लोग घर में ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल फीडबैक दीजिएगा। तूफा किचन एट के पेज पे जाके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इनका जो है लिंक भी हम लोग दे देंगे, और इनका फेसबुक पे तूफा किचन एट के नाम से जो है आप लोग ज़रूर जाइएगा उस पेज पे और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा बनाकर। ये देखिए कितने मज़े से ये सारा क्रीम भी हमारा हो गया, ज़बरदस्त। अब इसकी हम टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग के लिए हमने यहाँ पे, मैंने आपको बताया था, रेजिन्स और वॉलनट्स लिए हैं, ये आप इसे स्प्रेड कर दीजिए। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती होगी और बहुत हेल्दी है सना, ये हर ग्रुप एज के लिए। ये वॉलनट भी कितने ज़रूरी है हमारे लिए, और रेजिन्स की एक बात मैं बताती चलूँ कि डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। आजकल बहुत बच्चों का बड़ों का ये एक इशू चल रहा है कि डाइजेशन, क्योंकि सारा वक्त हम खाते हैं और फिर बैठे रहते हैं, जिससे तो कोविड हम लोग घरों में बैठे और हमारा बिल्कुल ना चलना फिरना होता है, ना हम लोग कहीं वॉक करते हैं, तो खाया पिया और हम लोग फिर बैठ गए, और बच्चे इवन ये कि टीवी और मोबाइल्स वगैरह और गेम्स। बिल्कुल अच्छा, ये जो आपकी स्वीट है इसमें बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्शन पैदा करने के लिए हम लोग जेली भी डाल सकते हैं, राइट? जी जेली डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जेली इसलिए रेफर नहीं करूँगी क्योंकि जो ड्राई नट्स का और जो क्रीम का और जो फ्रूट का फ्यूजन आ रहा है ना, हाँ जी, तो उसमें फिर जेली नहीं, उसके जेली के बजाय हम ये चॉकलेट चिप्स डालते हैं जो कि बच्चों बड़ों को सबको ही पसंद है। देखिए सना कितनी रिच बनी है ये, माशाल्लाह बहुत रिच है, हैवी भी है और खाने में तो बहुत टेस्टी होगी। सना नॉट इन द 5 मिनट, इट्स बिफोर 5 मिनट वी हैव डन। यस, बिफोर 3 मिनट्स में ये हो गया। नाउ एट लास्ट यू कैन यम यम सिरप। या वाओ, ये आपका फ्रूट एंड क्रीम फ्यूजन इज रेडी टू ईट। वेरी गुड जी, तो अब हम व्यूअर्स हम आपको दिखाते हैं कि ये डिश कैसे बनी है। ये देखिए, ये तूबा, मिसेस तूबा ने बनाई है और ये बहुत चेरी रह गई हमारी। एक चीज रह गई, ये देखिए चेरी भी आ गई, अभी दो तीन और चेरीज भी डालेंगे, चेरी ऑन टॉप। आप कितना ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, आप इसको काट के सीड्स निकाल के भी कर सकते हैं डेकोरेट, ताकि वो बच्चों का इशू रहता है जी जी कि मम्मा सीड्स क्यों डालें। जी तो हम ये टेस्ट करेंगे, आप लोगों को नहीं मिलेगा, हम ये टेस्ट करेंगे लेकिन आफ्टर द शो हम करेंगे जी। दुबा मतलब इस तरह की डिशेज आप काफ़ी घर में बनाती रहती होंगी, जहाँ सी बात है। एग्जैक्टली, झटपट इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें, और इसमें आप और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, तो लेकिन मेरे जो फॉलोअर्स हैं या जो लोग पसंद करते हैं मोस्टली ये मीठे में ये ज़्यादा मेरे यहाँ जो है ऑर्डर आते हैं इस चीज़ में। हाँ सही, तो आप एक वो भी बहुत आपकी मैं देख रही थी, उसकी भी बहुत तारीफ होती है जिसमें मिठाई वगैरह डलती है, चमचम। जी जी जी, दूध दुलारी। दूध दुलारी, दूध दुलारी भाई पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर स्वीट डिश है और यहाँ पे भी बहुत बनाते हैं, और इनकी तो बहुत अच्छी है, रिच। कहते हैं ना ये क्वालिटी क्वांटिटी बिल्कुल दिल खोल के देती है। Exactly. ये चीज होती है मेन चीज। और जी मुझे जरा बताइए कि ये जो दूध दुलारी है इसका क्या राज है जो आपकी सबसे मजे की होती है? दूध दुलारी एक्चुअली रिच इसमें चीज़ें होती हैं, दूध को अच्छी तरह पकाया जाता है और उसमें जो है वो शुगर डाली जाती है, थोड़ी क्रीम होती है और उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मतलब बहुत रिच होती है, और फिर उसमें ऐड ऑन फिर टॉपिंग्स जो होती है ना उसकी उसकी जो जान है वो उसकी टॉपिंग्स हैं, तो उसमें हम जो है वो मिठाइयाँ डालते हैं,
गुलाब जामुन होती है बहुत कलरफुल होती है और बहुत अट्रैक्टिव होती है, देखने में भी अच्छी होती है और खाने में तो आपको पता ही है देखने में इतनी मजे की होती है, बंदा कहता है बस देखता ही रहता होता है कि यार खाओगे तो वो खत्म हो जाएगी ये चीज रहती है। अच्छा दुबई जिस तरह आप माशाल्लाह सबके पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स आते हैं कुछ आते हैं, कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको कुछ नेगेटिव सुनने को मिला तो आपने कैसे उस चीज को हैंडल किया? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं मिला, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने बोला कि जैसे प्राइस का जैसे कभी किसी को इशू हुआ तो उन्हें मैंने ये बात एक बताई कि देखिए क्वालिटी से ज़्यादा मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, बिल्कुल मतलब क्वालिटी जो है वो मेरे हर खाने की जो है ना वो क्वालिटी ही बेस करती है, मतलब कोई भी मैं खाना बनाऊँ क्योंकि कि तूबा किचन जो है वो अपने खानों में बेहतरीन ऑयल बेहतरीन चावल हर क्वालिटी वाइज जो जो चीज़ें हमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। बिल्कुल सही बात है, नहीं बिल्कुल माशाल्लाह ये जो है वो सफाई का भी बहुत ख्याल रखती हैं हर चीज़, क्योंकि इन पे आप बिल्कुल भरोसा करके आप इनसे ले सकते हैं और लें, मैं तो आपको कहते हैं ना हाईली रिकमेंडेड दुबा किचन है। तो अच्छा अभी मुझे आपसे एक बात ये पूछनी थी कि जैसे आपकी लाइफ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह तो उससे मतलब एक ऐसा मुझे एक बताइए कि जो एक बहुत ही खुशगवार आपके साथ वाक़ हुआ और एक बहुत ही ऐसा इंसिडेंट जो आपका अब तक भूल ही ना। सर ऐसे बहुत से वाक़ात रोनुमा हुए हैं मतलब तुबा किचन के साथ कि एक दो मेरे सरह के क्लाइंट्स आए कि उन्होंने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया और फाइनली जैसे मुझे ऑर्डर उन्हें पिक करना है मुझसे तो जब मैंने उनसे टाइमिंग कंफर्मेशन ली तो पता ये लगा कि वो रियाद या मदीना के थे। ऐसे कोई तो आई वॉज शॉक कि ये मदीना का और एक साहब का कि उन्होंने ऑर्डर दिया मुझे दही बड़ों का और छोलों का और एक दो डिश उनकी और थी तो उन्हें पसंदे भी ऑर्डर किए थे रमजानों के लिए, तो रमज़ान में सहरी के लिए उन्हें पसंदे चाहिए थे और अफ्तार की ये दो डिश चाहिए थी तो नेक्स्ट उन्हें अफ्तार की और उसके साथ वो था पसंदे। तो लेकिन हमसे जब मैंने टाइमिंग पूछा कि आप कब तक आएंगे और कब रिसीव करेंगे उस वक्त तक तैयारी हुई नहीं थी पूरी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आई विल कम एट आई थिंक 5 तो मैं हारा से आऊँगा। व्हेन ही सेड हारा सो इट्स नॉट इन जद्दा, तो मैंने कहा कि हारा तो रियाद में है सो आर यू इन जद्दा, तो ही जस्ट सेड नो आई एम रियाद। ओह माय गॉड, तो इस तरह के एक्सपीरियंस एक दो मेरे साथ बहुत हुए और इवन ये कि रियाद से भी एक दो मेरे कस्टमर्स हैं तो वो मुझसे कह कर आते हैं कि हम लोग आ रहे हैं तो नेक्स्ट वीक जो है वो आप ज़रूर हम लोग को जो है वो ऑर्डर दीजिएगा, तो पहले से ऑर्डर बुक करवा लेते हैं तो माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है। वैसे नहीं मतलब वो कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ जो बहुत ही खुशगवार है जो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते आपकी लाइफ का और आपकी ही लाइफ का कोई ऐसा बैड इंसिडेंट जो आप कभी नहीं भूल सकते जो आप जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिला। ओके बैड इंसिडेंट्स तो रिसेंट में आपको सना ये बताऊंगी कि मेरे फादर की डेथ हुई थी अभी रिसेंटली जनवरी 4 को, मगर ड्यू टू द कोविड आपको पता है सना के सारे रास्ते बंद। बिल्कुल तो ये सबसे बड़ा हम लोग उधर जा नहीं सकते थे तो मैं ये वाकई कभी नहीं भूल सकती कि मैं यहाँ चाहते हुए भी नहीं जा सकती थी उधर, लेकिन अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए उन्हें आला दर्जात उनके बुलंद करें इंशाल्लाह। और अच्छे लम्हात अच्छे मूवमेंट तो मैं कहूँगी कि माशाल्लाह सारी माशाल्लाह लाइफ में अल्लाह ताला ने वो कुछ दिया है सना कि जो हम सोच नहीं सकते या हम इमेजिन नहीं करते कि अल्लाह कितना नवाजता है, तो माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे और ये समझे कि खुशगवार मौके ये 3 ही है मेरे लिए लाइफ के कि ये लोग अल्लाह ने मुझे इनसे नवाजा माशाल्लाह, एक बेटी और दो बेटे माशाल्लाह मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि अगर आप समझती हैं कि तुबा किचन को इतना मकबूलियत मिली है या लोग इतना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आपके तवसुस से ये ज़रूर बताना चाहूँगी और आपके टीवी के तवसुस से ये बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड के इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है सना, अगर आपके हस्बैंड की आपके साथ सपोर्ट नहीं हो तो आपको पता है सऊदीया में आप बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते। हाँ, यही चीज़। तो माशाल्लाह यानी सारी ग्रॉसरी में तुबा किचन बेसिकली सारे फ्रेश फूड पे डिपेंड करता है, कोशिश करती हूँ मैं कि कोई भी मैं फ्रोजन चीज़ें ना लूँ, तो फ्रेश फूड के लिए आप ऑर्डर देते हैं
और ऑन द टाइम बीइंग के मैं फ्रेश फूड ही लेकर आती हूँ, पोल्ट्री ले लें या मीट ले लें, कुछ भी ले लें, तो वो उसके पीछे मेरे हस्बैंड। वही ना, माशाल्लाह बहुत हाइजीनिक किचन है, मैंने खुद भी देखा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी और बार बार करती रहूँगी कि आप लोग प्लीज़ इनके पेज को विजिट करें और इन पे लाइक्स भी करें, बढ़ाएं और ऑर्डर तो ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। तो आप एक दफ़ा इनका विजिट करेंगे तो इतनी टेम्पटिंग इनकी पिक्चर्स हैं डिशेज की कि जब भी बंदा देखते हैं वो कहते हैं ये भी मंगा ले, ये भी मंगा ले, ये भी मंगा ले। और रमज़ान में तो ये साहिबा फ्री नहीं थी, इतने ऑर्डर थे इनके पास, एक एक दो दो हफ्ता पहले भी इनके पास ऑर्डर आ चुके थे। माशाल्लाह ये बहुत बिजी रही हैं और बहुत ही कहते हैं ना एक्टिव, टैलेंटेड और माशाल्लाह कहते हैं ना घरेलू और सही घरदारी वाली खातून जो होती है ना, जिन्होंने अपने बच्चों को भी अच्छी परवरिश दे रही हैं, माशाल्लाह घर को भी साथ लेके चल रही हैं, खाने में खाना पकाने में आला तैयार कहते हैं ना आला तरीन औरत जो है वो ये है माशाल्लाह से। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो है प्लीज़ सपोर्ट करें यहाँ पे जितने भी हम लेडीज़ जो ये काम कर रही हैं। और वैसे आपके जहन में क्या है कि जैसा केटरिंग का एक काम जैसा लेडी घर बैठे कर सकती है, तो आप और क्या बताएंगी कि और लेडीज़ क्या करें? सना ज़रूर, एक्चुअली ये तो इंसिडेंटली मैंने स्टार्ट किया, मेरे फ्रेंड्स इवन यू टू सना, आप सब लोगों ने इतना मुझे सराहा कि मेरी डिशेज, क्योंकि हमने कोविड में इतना ज़्यादा सब लोग घर में लॉक थे कि एट द बीइंग टाइम कि हम लोग एक दूसरे को जो है ना वो शेयर करते थे अपनी जो हम लोग डिशेस बनाते थे, तो जब शेयर करते थे तो मेरे फ्रेंड्स ही कहते थे कि यार मत क्या करो क्योंकि रात में हमें जो टेम्पटिंग होती है तस्वीरें देख के तो वो हमसे रहा नहीं जाता। आधी आधी रात को इतनी मजे की पिक्चर्स डालती थी कि हम नहीं हो जाते, हाय ये दिल कर रहा क्या करें कैसे बनाएं इस टाइम। तो इस तरह फिर मेरे फ्रेंड्स ने भी फोर्स किया, फिर मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि थोड़ा बिजी शेड्यूल रहेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआएं हैं, मेरे माँ बाप की, मेरे अम्मी पापा की, तो मेरे बड़ों का, मेरे बहन भाइयों का इसमें बहुत हाथ है, वो इतनी दूर हैं पाकिस्तान में लेकिन हमेशा उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे बताएं कि आप जिस तरह सऊदी में रहती हैं तो आप शॉपिंग कहाँ से करती हैं? किस चीज़ की शॉपिंग? चाहे आपके कपड़ों की हो, चाहे अपने बच्चों के कपड़ों की हो, मतलब ताकि हमारे व्यूअर्स को पता लगे कि यहाँ पे खातून शॉपिंग बड़ी अच्छी कर लेती है, सिर्फ पाकिस्तान वगैरह में नहीं होता, यहाँ पे भी अच्छी होती है ना। अभी क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा सा हम लोग अवॉइड ही कर रहे थे, लेकिन नॉर्मली हम लोग यही करते हैं, आप भी हम भी, के वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द सेल्स। बिल्कुल, और जहाँ से हमें सेल्स मिलती हैं और हम पहुँचते हैं वहाँ पे तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी और चीप शॉपिंग कर लेते हैं। अच्छा सही, जैसे आपने अबाए, जैसे माशाल्लाह आपका अबाया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहता है, और यहाँ पे सऊदी में ज़्यादातर अबायों का ही फैशन चलता है, तो आप कहाँ रेकमेंड करेंगे जिस तरह के आपके लेडीज़ के वहाँ पे जाके देखें अबाए? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट है, बवादी है, यहाँ पे मकरोना है, मॉल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो बताएं मतलब लोगों को ताकि पता लगे कि क्या है, कोई ऐसी डिफरेंट जगह है जहाँ से आप? मैं अपने फ्रेंड्स और व्यूअर्स को यही कहूँगी जो कि ज़्यादा मुकीम है कि मैं तो बेसिकली बवादी से ही अबाया लेती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली यूनिक अबाया बहुत पसंद है, तो मेरी थोड़ी शॉपिंग इस तरफ भी जाती है कि बेसिकली हम लोग का तो लिबास ही यही है। बिल्कुल सही, तो अबाया जो है मैं वो वहाँ से बवादी से ही लेती हूँ, परचेज करती हूँ, तो आपको रीजनेबल अबाया मिलता है और प्राइस भी बहुत रीजनेबल होती है। सही सही। अच्छा तो आप मेकअप वगैरह करती हैं या आपने कुछ सीखा हुआ है या खुद से करती हैं? हाँ सर, शौक है, खुद से अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ और बचपन से शौक था। बचपन से ये तो लड़की को होता है, लड़की को होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि देखा जाए तो अगर आप पीछे भी जाएँ और अभी भी मेरे हाथ पे सर कुछ होने लगता है अगर मैं कोई पेन पेंसिल कोई चीज़ देखूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो आर यू नो इट्स ड्राइंग स्केचर। ओ माय गॉड, फिर तो आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा, आपकी स्केचिंग देखनी पड़ेगी भाई, ये तो मुझे आप कोई भी मल्टी टैलेंटेड वुमन, तो मुझे कोई भी चीज़ दे दें तो उसे फौरन ही स्केच और ड्राइंग में कर लेती हूँ, कलर्स मुझे बहुत पसंद हैं। इसका मतलब आपको मेहंदी अच्छी लगानी आती है? एग्जैक्टली, मेहंदी भी लगाती हूँ। राइट, चलें जी, अब ईद पे प्लीज आप लोग आइए, मेहंदी भी लगवाइए इनसे, आप वो भी अपने डाले, आप लिखे तूबा मेहंदी, कुछ आप ऐसा पेज भी बनाइए। एक्चुअली पर्सनली अगर मेरी पर्सनैलिटी आप देखें तो मुझे इनोवेशन बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कुछ वैराइटीज और इनोवेशन, तो इंशाल्लाह मैंने फ्यूचर में भी सोचा है कुछ स्टार्ट करने को, तो फ्लावर्स से मुझे बहुत, आपको आपने देखा ही होगा से फ्लावर मेरी जो है जान है और मेरी ही सबकी जान है, बिल्कुल, तो
फ्लावर से जो है वो यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान हम लोग का ट्रेडिशन है कि फ्लावर के बगैर खुशी का समा पता नहीं लगता, चाहे वो ईद हो या शादी हो या कोई और छोटा सा इवेंट भी होगा ना, तो उस पर भी होता है कि जहाँ फ्लावर्स हो। व्यूअर्स मैं आपको एक बात बताती हूँ, इन्होंने अपने घर हमें ना डिनर पे बुलाया, उन दिनों क्या था लगातार पार्टीज हो रही थी, तो जब हम लोग इनके घर के आप यकीन करें सबने वेलकम किया था, कुछ ना कुछ डिफरेंट था, लेकिन इन्होंने जो वेलकम किया था हम लोगों का, जो इतने खूबसूरत किस्म के गजरे थे लेकिन गजरे फ्रेंडशिप बैंड पर, मतलब इतने खूबसूरत थे कि मैं आपको क्या बताऊं कि इनका उसमें सलीका, कहते हैं ना सलीका तरीका, सब छलक छलक के उम्र उम्र के आ रहा था कह लें आप। और जब हम लोग ड्राइंग रूम में कही, मेरे ख्याल से अर्तुगरुल की बहुत बड़ी फैन है कि इनके ड्राइंग रूम में हर चीज जो है ना वो अर्तुगरुल से मिलती हुई जुलती सब चीजें वहां पड़ी हुई थी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं सना कि इवन माय हस्बैंड बल्कि मेरे फादर इन लॉ मेरे पापा जो हैं ये उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है इज़ अ मेंटर यू नो, तो माशाल्लाह उन्हें बहुत शौक़ है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, तो मेरे हस्बैंड को भी और फिर मुझे भी, तो माशाल्लाह हम लोग मेरे हस्बैंड जहाँ पे भी जाते हैं तो उन्हें जो पसंद आता है वो वहाँ से लाते हैं, तो समझे दुनिया भर की चीज़ें हम लोगों ने अपने घर से। कोविड में तो कुछ नहीं होता था, तो जाहिर है अर्तुगरुल माशाल्लाह सबने देखा है और मनी हाइस्ट देखते थे हम लोग, वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन। बिल्कुल सही सही, तो ये थी आप देखें माशाल्लाह से हम इसी तरह लेडीज को हम लाते रहेंगे आप लोगों के पास आप लोगों के सामने, कहते हैं ना मोस्ट टैलेंटेड लेडीज जो सऊदी अरब की हैं वो हम सब आपके लिए लेकर आएंगे।